हेलो व्यूवर्स वेलकम बैक और टुडे टॉपिक इस होमोपोन्स होमोनम्स एंड होमोग्राफ्स सो व्हाट्स द डिफरेंस अमंग टर्म्स सो लेट्स स्टार्ट होमोपोन्स होमो का मतलब होता है एक जैसे और पोन्स का मतलब होता है आवाज़ें तो इंग्लिश के ऐसे अल्फाज जिसकी आवाजें सिमिलर हो लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग कम्प्लीटली डिफरेंट हो तो इस तरह अल्फाजों को हम होमोपोन्स कहते हैं जिस तरह वीक वीक इसकी प्रोनसीशन बिल्कुल सिमिलर है लेकिन इसकी मीनिंग और स्पेलिंग एक दूसरे से डिफरेंट है तो इस तरह के अल्फाजों को होमोपोन्स कहते हैं एक वीक कमज़ोर के लिए इस्तेमाल होता है और ये दूसरा वीक हफ्ते के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सन सन एक सन बेटा और दूसरा सन सूरज सेल सेल एक सेल का मतलब होता है भेजना और दूसरा सेल हम खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और हमारे जिसम के अंदर जितनी सेल्स है उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं फ्लोर फ्लोर एक फ्लोर का मतलब होता है आटा और दूसरे फ्लोर का मतलब होता है फर्श मीट मीट एक मीट का मतलब होता है गोश और दूसरे मीट का मतलब है किसी के साथ मिलना तो ये थे होमोपोन्स जिसकी आवाज़ें सिमिलर लेकिन मीनिंग आवर स्पेलिंग एक दूसरे से डिफरेंट नाउ लेट्स मूव टू वर्ल्ड होमोनम्स अब होमोनम्स क्या है जब लफ्स एक होता है और उसकी मीनिंग दो या दो से ज्यादा होते हैं तो इस तरह अल्फाजों को हम होमोनम्स कहते हैं जिस तरह यह मैच अब इसकी दो मीनिंग है मैच हम क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच के लिए भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन मैच हम तब भी इस्तेमाल करते हैं जब दो चीजें सिमिलर हो या दो चीज़ें मुशाबियत रखते हो एक दूसरे के साथ वेल well, वेल एक कोल अम कु को कहते हैं जिसे हम पानी निकालते हैं और दूसरा वेल जब किसी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो बिल्कुल तंदुरुस्त हो तो उसके लिए भी वेल का इस्तेमाल होता है तो ये अब लफ्स एक है लेकिन इसकी मीनिंग दो है बाट बाट एक बाट बिल्ला होता है जो इमरान खान की निशानी है और दूसरा बाट चमगादड़ होता है जो रात को उड़ता है डेट डेट हम तारीख के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और डेट हम खजूर के दरख्त या खजूर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं रिंग अब इसकी तीन मीनिंग है एक रिंग वो होता है जहाँ पर रिसलर लड़ते हैं दूसरा रिंग हम अंगूठी के लिए इस्तेमाल करते हैं और तीसरा रिंग जब किसी की कॉल आ जाए या हम किसी को कॉल करते हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं अभी होमोनम उर्दू में भी है अगर मैं आपको एग्जांपल दे कान एक कान इंसानी कान होता है और दूसरा कान वो होता है जहाँ से खोला निकलता है शाम एक शाम हम अंधेरे के लिए इस्तेमाल करते हैं और दूसरा शाम एक मुल्क का नाम है तो अब ये लफ्ज़ एक है जिस तरह कान शाम लेकिन इसकी मीनिंग एक से ज़्यादा है तो इस तरह अल्फाजों को होमोनम्स कहते हैं ना लेट मेरी वाइस होमोपोन्स ऐसे अल्फाज जिसकी प्रोनन्शन एक हो लेकिन उसकी स्पेलिंग और मीनिंग एक दूसरे से डिफरेंट होमोनम्स ऐसे अल्फाज जिसकी एक से ज़्यादा मीनिंग हो तो इस तरह अल्फाजों को हम होमोनम्स कहते हैं तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसको आगे शेयर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग